वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं महिंद्रा सुप्रो पैसेंजर। ये देखिए काफी अच्छा व्हीकल ये है। देखिए 2019 का ये गाड़ी है। तो गाड़ी कहाँ ये देख सकते हैं आप, असम गुवाहाटी में। तो ये गाड़ी असम गुवाहाटी में है। तो पहले देखेंगे क्या हम लोग कंडीशन, उसके बाद देखेंगे पेपर यानी कि RTO, लास्ट में होगा प्राइस। तो अंत तक बने रहिए और लास्ट में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दूंगा, क्योंकि पहले कॉन्टैक्ट नंबर देने से क्या होगा आप पूरा नहीं देखेंगे, हमको फोन करेंगे। तो लास्ट तक आप देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको फ्रंट प्रोफाइल दिखा रहा हूँ गाड़ी का। ये आपका फ्रंट प्रोफाइल है। अभी मैं सामने जाऊंगा, देखिए पहले मैं दिखा रहा हूँ लाइट। ठीक है, लाइट तो ठीक है आपका, इंडिकेटर ठीक है आपका। ये हो गया ग्रिल, ग्रिल हो गया। ये महिंद्रा का लोगो, नंबर प्लेट, ये नीचे भी ग्रिल देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ये भी लाइट ठीक है। फ्रंट ठीक ही है आपका। तो फ्रंट में मैं 10 में से 8 नंबर देता हूँ इस व्हीकल का। अभी मैं धीरे धीरे साइड में आपको दिखाऊंगा। देखिए ये साइड का व्यू ऐसा होता है। तो गाड़ी यहाँ से आपको देखिए ऐसा है। अभी मैं फिर वहाँ पे साइड में लेके जाऊंगा, फिर मैं आपको पीछे में लेके आता हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो। तो ये साइड से आगे मैं दिखा रहा हूँ, ये साइड है। मैं धीरे धीरे पीछे में लेके जा रहा हूँ। ग्लास भी ये देखिए ये ठीक है, कोई टूटा नहीं है, ये भी ठीक है। पीछे में आ रहा हूँ, देखिए पीछे में नीचे से देखिए ये गार्ड, पहले मैं दिखा रहा हूँ ये गार्ड हो गया। ये पीछे का ये देखिए खूनर खम, गाड़ी आसाम में है। देखिए बैक साइड सुप्रो का बेजिंग एलेक्स, इसका आप देख सकते हैं एक रिव्यू। दूसरा यूरो गियर लिखा है यहाँ पे, नंबर प्लेट महिंद्रा का बेजिंग। ये लाइट तो ठीक ही है, इस तरफ मैं जा रहा हूँ ये भी, ये थोड़ा है क्रैक लेकिन ये भी ठीक ही है। तो सही है, पीछे का साइड में 10 में से 8 नंबर देता हूँ। अभी धीरे धीरे मैं व्हील की तरफ आऊँगा। तो ये फ्रंट व्हील आप देख सकते हैं, आपके सामने फ्रंट व्हील ऐसा दिखता है, जेके टायर फ्रंट व्हील। ये दूसरा टायर देख सकते हैं फ्रंट का, ये भी ठीक ही है, देख सकते हैं ये भी ठीक ही है। देखिए पीछे का टायर ये देखिए ये भी ठीक ही है। चौथा टायर ये भी ठीक ही है। देखिए ये आप देखिए स्प्रिंग है यहाँ पे, पट्टी है यहाँ पे। ये BS4 का ही गाड़ी है, BS4 है, आई रिपीट BS4 का गाड़ी है। अगर इंजन का अगर बात करेंगे 909 cc होता है इसका इंजन। और ग्राउंड क्लियरेंस अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 173 mm, या चेक कर सकते हैं। बाकी नया में अगर ये गाड़ी है तो माइलेज 19 किलोमीटर होता है पर लीटर। अभी ये पुराना गाड़ी है तो आप 16 मान के आप चलिए, तो 16-17 इसका अप्रोक्स माइलेज है। नया में ज़्यादा होता है क्योंकि अभी तो पुराना हो गया। मैं भीतर में आ गया, देखिए इंटीरियर में देखिए, यहाँ तो मैं देख सकता हूँ कि ये दो है यार, ये एक सीट है, ये सीट है और दो यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। तो 10 आदमी यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, मैं आपको दिखा दिया हूँ। देखिए 10 आदमी और एक तो यहाँ पे है, 10 आदमी का कैपेसिटी मान के आप चलिए। 5 गियर वाला एक गाड़ी। तो ये इंटीरियर तो ऐसा ही है, सीट भी तो ठीक ही है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये देख सकते हैं इंटीरियर, ये देख सकते हैं ये व्हीकल स्टार्टिंग कंडीशन है। आप देख सकते हैं ये व्हीकल स्टार्टिंग कंडीशन है। कितना किलोमीटर चला है जो आपके सामने है, देख सकते हैं आप 15,374 एक किलोमीटर है। और इंटीरियर एक बार दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए इंटीरियर कितने गियर है इसमें। 5 गियर का गाड़ी है, सारा सीट उट सब ओके है। के बाद अभी बात करते हैं इसका डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस के साथ। तो आप देख सकते हैं मैं निकाल के रखा हूँ, ये सिर्फ मैं ही आपको दिखाता हूँ, बार बार मैं बोलता हूँ कोई नहीं दिखाता है, जन्म कुंडली सिर्फ मैं ही दिखाता हूँ। तो ये देखिए ऑक्शन परचेज भी के लिए देखिए, कुछ कुछ अपडेट है, कुछ कुछ फेल है। 2024 तक आपका फिटनेस अपडेट है, बाकी कुछ फेल भी है तो ये ओनर जिसने गाड़ी खरीदा है आपको अपडेट करा के आपको देंगे। अगर अपडेट नहीं कराना है तो इसका दाम यानी प्राइस थोड़ा कमती होगा, लेकिन वो बोले कि अपडेट करा के देंगे तो उसका प्राइस भी अलग होगा। यानी कि पेपर वर्क करके देना है तो उसका प्राइस अलग है, और नहीं देना है तो उसका प्राइस अलग है। कंडीशन और पेपर का स्थिति के जानने के बाद तो अभी जो मेन इम्पोर्टेंट है इसका प्राइस कितना रखा है। प्राइस तो प्राइस जो रखा है जो हमको बोले हैं तो आप देख सकते हैं, इसका प्राइस है 3,65,000।
3,65,000 विथ पेपर ओके, आपको ये मिलेगा। तो कंडीशन के हिसाब से तो प्राइस ठीक ही है, बाकी निगोशिएशन करना है तो यहाँ पे आपको आके निगोशिएशन करना है। कोई अगर हमको बोलेंगे हम इतना देने से हम आएंगे तो नहीं होगा, कुछ देना है, लेना है, कमती करवाना है, ज़्यादा करवाना है, तो ऑफिस में आके आपको बाकायदा बात करना होगा। रीफाइनेंस नहीं मान के अब चलिए, हाँ फाइनेंस में लेना है तो आप नया गाड़ी लीजिए, वो 8 लाख पड़ता है और फाइनेंस वाइनेंस में आके आपको लगभग 9 लाख होता है। तो कैश में ये जो प्राइस रखा है ओनली 3,65,000 इसका प्राइस रखा है। तो नीचे में ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, एक ही साथ देखिए आप, प्राइस भी है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, सब कुछ है। तो लास्ट में ये देता हूँ, 3,65,000 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गाड़ी गुवाहाटी आसाम में है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले दिन में समय बहुत सारी गाड़ी आपके लिए लाऊंगा, तो मैं ला ही रहा हूँ। और मेरा देख और एक दो चैनल है, एक है इसका शॉर्ट वर्जन वीडियो का और एक ट्रेवल, किसी को अगर आसाम के बारे में जानना है तो मेरे ट्रेवल वाला चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जहाँ शुरू किया हूँ तो धीरे धीरे उसको भी मैं कराऊँगा। तो ये जो है गाड़ी, अभी आपको लेना है तो गुवाहाटी में आना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय।